मुंबई जैसे महानगर में मौजूदा महामारी के कारण हजारों जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड बैंक में खून की कमी होने के कारण मनपा द्वारा सभी विभागों में रक्तदान शिविर जैसे कार्य को चालू किया जा रहा है। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर का आयोजन कांदिवली में स्थित वार्ड नंबर 26 में किया गया, जिसका आयोजन उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस द्वारा रखा गया, जिसका नेतृत्व वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के मौजूदा वार्ड अध्यक्ष सुभाष यादव कर रहे थे। वह इस ब्लड कैंप में वार्ड के सभी रहवासियों ने अच्छे तरीके से सहयोग किया। लगभग 100 से अधिक लोगों द्वारा खून देकर इस ब्लड कैंप को सफल बनाया गया। वही इस शिविर में मुंबई कांग्रेस के मौजूदा नामचीन अध्यक्ष भाई जगताप ने शिरकत की, जिन्होंने आए हुए सभी लोगों के हौसलों को देखकर कुछ चंद बातें कही। आइए जानते हैं। मुंबई में लगातार ब्लड की कमी को देखते हुए बीजेपी ने 5,000 का संकल्प लिया था, तो कांग्रेस ने 10,000 का। अब ऐसे में आपका अपना काम तक पहुँच सकते पहले आपको जरा दुरुस्त होगा, हाथ में बूम आ गई तो आपने कहा वैसा नहीं होता। आपके मालूम के लिए तुम्हारे लिए अच्छा है। अप्रैल के 2 तारीख सरकार ने, खास करके आरोग्य विभाग ने कहा कि मुंबई में खून की किल्लत। मैंने 7 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ऐलान किया। मुंबई कांग्रेस ने पहला किया, बीजेपी ने पहला किया, ये तुम कहते रहो, वो हकीकत नहीं है। उनको जो दिखाना है दिखाओ, लेकिन पहले खून के सुधार। 7 तारीख को हमने ऐलान किया हम 10,000 यूनिट मुंबई से इकट्ठा करेंगे और 11 अप्रैल जो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है उस दिन हमने शुरू किया। आज तक उन्होंने क्या ऐलान किया वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि जिनको सरकार करके करना है वो तो कर नहीं रहे। हमने सिर्फ ऐलान नहीं किया, आज तक हमने 6,000 यूनिट ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया और वो सारा गवर्नमेंट जितनी भी ब्लड बैंक है उनको हमने किया है। हमारा देखा देखी करने की कोशिश कर रहे, अच्छा है, जो काम अच्छा है वो करना चाहिए, उसकी देखा देखी करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ का खासदार है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है और देवेंद्र फडणवीस को भी है, तुम्हारी पार्टी तो सत्ता में है ऊपर भी यहाँ भी, तो आपने तो 5,000 का, हमने तो 5,000 क्रॉस करके डिपॉजिट भी किया। उन्हें भी पूछिएगा कितना डिपॉजिट किया। और आज मुंबई की सारी ब्लड बैंक हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हमारी ब्लड बैंक फुल हो चुकी है। अभी भी अगर आपने देखा तो हमने प्राइवेट जो हमारे लोगों के संबंध में है उनको अब हम दे रहे हैं, ताकि ऐन मौके पे अगर किसी को कोई ज़रूरत लगी तो वो भी हमें दे सकते। तो ये अभियान मुंबई में, ये कोविड के खिलाफ का अभियान कांग्रेस ने 1.5 साल से चला रहे हम लोग। आपको पता होगा पूरे विश्व में जो एक मॉडल करके उसको देखा जाए, धारावी मॉडल, उसमें पूरा योगदान कांग्रेस का रहा। कि बीजेपी वाले आरएसएस वाले 2-3 दिन नाटक करने गए, वहाँ टेबल वगैरह लगाए और भाग गए। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम डट के सारा लोगों का काम करते हैं। आज नहीं और किसी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं, ये कांग्रेस का विचार रहा हमेशा। हम लोगों का काम करते रहे और आगे भी करते रहे। हमारी देखा देखी बहुत सारे टास्क फोर्स की बात कर रहे, हमने तो सबसे पहले हमने वो ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हमने वो 24/7 हमारी एम्बुलेंस की, कार्डियक एम्बुलेंस है जिसमें 2 अटेंडेंट हैं और 24 घंटा उसमें ये है ऑक्सीजन में। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो कांग्रेस किसी की देखा देखी नहीं करती है, ये डुप्लीकेट लोग होते हैं वो देखा देखी करते हैं। चलिए 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 करा रहा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने पहले किया या बीजेपी ने बाद में किया। आपने कहा ये था, आपने कहा पहले आपने आपको दुरुस्त करो। बीजेपी ने, कांग्रेस ने 10,000 वोटों का संकल्प लिया है, ये उल्टा है। फिर एक बार बता रहा हूँ, हिम्मत है तो ये दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो ये दिखाओ। सबसे पहले कांग्रेस ने 10,000 का सिर्फ ऐलान नहीं किया, मैंने तारीख आपको बताई,
बीजेपी ने कब कहा? 4 दिन पहले। हम मैं 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारा फर्ज जो लोगों के प्रति हमारा एक कर्तव्य है वो हम करते हैं। इसके लिए ना तुम्हारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना नरेंद्र मोदी की है, ना भाजपा वाले किसकी है। और रहिए हमारे जोश की, तुम क्या जानते हो भाई जगताप के बारे में? तुम जानते क्या हो वो तो बताओ। तो 40 साल से हम यही जोश से काम करते हैं और ऐसे ही काम करेंगे। अभी कितना संकलन हो गया? अभी तक 6,000 का तो संकलन ऑलरेडी हो चुका है। और अभी चूंकि बैंक के पास अभी मैंने इनको पूछा तो सिर्फ 100 पैक ला पाए। हालांकि यहाँ रजिस्ट्रेशन 150-200 का हुआ है, पर उनके पास बैग ही नहीं है। तो इस कोविड काल में जो हम ये सारा मेंटेन करते हुए जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। तो कहाँ तक तैयारी हो गई है और कितना और संकल्प आगे बढ़ेगा? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा, ये कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ रहता है और जब संकट काल में पूरी जनता है ऐसे वक्त में कांग्रेस की विचारधारा ये कहती है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इसमें जुड़ जाए मददकारी। हम दिखावा नहीं करते, वो जो सत्यता है आपके सबके सामने है। और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हो, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो, और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी ने जो आदेश दिया है कि ऐसे कोरोना के संकट में जो ब्लड की बहुत ज़रूरी है, तो इसी वक्त में ब्लड डोनेशन कैंप पूरे मुंबई में हर एक ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर किए जाए। तो कार्यकर्ता पूरी तरह से इस आदेश के तहत जुड़ गए हैं और लगातार जो कैंप हो रहे हैं जनता का भी बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे हिंदू प्रदेश दिवंग जी हैं, यहाँ सुभाष यादव जी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं हर एक जगह पर। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़े तादाद पे हम चुनाव जमा कर पाए। और एक तरफ कांग्रेस के पार्टी का कार्यकर्ता है जो लोगों के साथ इस संकट के कारण जूझ रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से दिखावा करने की कोशिश कर रही है वो भी आमने सामने है। ये उत्तर मुंबई जिला है, यही देवेंद्र फडणवीस जी, प्रवीण दरेकर जी आए थे और उन्होंने कांदिवली वेस्ट में बुराबाई हॉल में एक बड़ा कोविड सेंटर दिखाया लोगों को और एक बहुत बड़ा हम लोग काम करने जा रहे हैं ऐसा बताया। लेकिन आज भी अगर वहाँ जाके देखें तो लगभग ताला लग चुका है। गए 27 अप्रैल से अब तक जब जो 20 दिन हो चुके हैं और वहाँ गिने चुने 1-2 ही लोग आए हैं। तो ये परिस्थितियाँ हैं, वास्तविकता क्या है और ये दिखावा क्या है इसका अंतर भी जनता जान रही है। तो ऐसे वक्त में हम लोग निश्चित तौर पर जनता के साथ हैं और ये कोरोना का संकट भी बहुत बड़ा है, सभी लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि एहतियात बरतें और अपनी जिम्मेदारी को संभालें, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालें और ये सोशल डिस्टेंसिंग हो उसका पालन करें, मास्क पहने। कोरोना का संकट बहुत ही गहरा है इतना समझें। सचिन जी, एक सवाल पॉलिटिकली है, एक्चुअली अलीगढ़ नगर में यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क लोग भी समझ रहे हैं। बहुत बड़े शब्द नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि 60 साल में जो नहीं हुआ वो करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता भी देख रही है कि 60 साल में जो नहीं हुआ, विश्व गुरु को विश्व भिखारी बना दिया। कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और जिस तरह से वैक्सीनेशन एक ही एक उपाय हमारे सामने दिखाई दे रहा है इस कोरोना के संकट में, उसके लिए आज जो किल्लत हम लोग को महसूस हो रही है इसका भी उत्तरदायित्व मोदी जी के ऊपर जाता है। निश्चित तौर पर जब पूरे विश्व में बहुत सारे राष्ट्र जब वैक्सीन बना भी नहीं था तब पैसा लेकर खड़े थे और अपनी पूरी तरह से झोली सामने फैलाए हुए थे वैक्सीन के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वस्थ बैठे। उसके बाद में इन्होंने जो 2 ही कंपनियां रखी, आपको भी मालूम है पूरे देश भर में, बाकी पूरे विश्व में जितने वैक्सीन कंपनियां इनको एंट्री नहीं दी, तो आज पूरी तरह से किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। 18 से 45 जो वयोमर्यादा का जो आयु जो ग्रुप है इसके लिए इन्होंने वैक्सीनेशन खोला लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। कहाँ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थोप दी, बोले कि जाओ और इन कंपनी से खरीदो। कंपनी कहती है हमारा स्टॉक केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। और जो जो हमने सुझाव दिए उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं किया।
राहुल गांधी जी ने ये कहा कि भैया सिर्फ दो कंपनियां नहीं, बाहर की कंपनियों को बुलाए, हमारे 137 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन करना है, वैक्सीनेशन करना है। तो उन्होंने कहा कि हम Subscribe now and press the bell icon.